नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, टू ट्रेन्स ऑफ द लेंथ 100 मीटर एंड 150 मीटर रिस्पेक्टिवली विद ए डिफरेंट स्पीड पोल को 1 मिनट और 3 मिनट में जो है क्रॉस कर देती हैं, इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। वो अब अपोजिट डायरेक्शन में हैं बच्चों। देखिएगा S1 की जो स्पीड है बच्चों, दैट मीन्स कि 100 मीटर उसने 1 मिनट में क्रॉस किया, क्योंकि उसने पोल को दैट मीन्स कि अपने आप को क्रॉस किया, तो 100 मीटर बच्चों 60 सेकेंड में, तो आप कह सकते हो कि 5/10 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। नेक्स्ट बच्चों, S2 की जो स्पीड है वो 150 मीटर 3 मिनट में, मतलब 180 सेकंड्स में, तो बच्चों ये 5 और ये जो मेरा 6, तो 5/6 मीटर पर सेकंड जो है उसकी स्पीड है। ठीक है जी, तो अब उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस करना है, तो टाइम विल बी इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ ट्रेन 1 लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, बिकॉज अपोजिट है तो प्लस हो जाता है। ठीक है जी, लेंथ ऑफ ट्रेन 100 है, लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन मेरे पास 150 है, डिवाइड बाई फर्स्ट ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन जो मूव कर रही है बच्चों वो है 5/3 स्पीड से, सेकेंड ट्रेन जो मूव कर रही है वो 5/6 की स्पीड से, राइट। तो बच्चों मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी और नीचे भी, बिकॉज बेस सेम बन जाएगा, तो इट विल बिकम 150 प्लस 100 250 मेरे पास बन पाया, और ये रहा 10 और 5 15 डिवाइड बाई 6, राइट। तो ये होगा 250 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 15, तो मैं 3 से इसको कर देता हूँ डिवाइड, 2 से 3 से क्या, ये 2 3 से ये 5, ये आ जाएगा 50। तो बच्चों आंसर क्या आ गया, 100 सेकेंड आ गया, क्योंकि ऑल थिंग्स आर डिवाइडेड इन सेकेंड, सो मैंने इनके भी सेकेंड बना लिए थे, तो आंसर रह गया है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड।